सो हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम बात करेंगे डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ओवरऑल, एंड वी स्टार्ट विद दिस क्लॉज 8.3 एंड मे बी वी विल कवर अगेन टू और थ्री वीडियोस. सो डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का मतलब है कि वी हैव टू कंप्लीट लाइक ए प्रोजेक्ट. सो मे बी अगर हम कोई पुल बनाना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, सो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको से डिस्कस कर रहा हूँ. सो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं. सो लाइक अगर हम बात करें, सो दिल्ली से आगरा तक एक नया हाईवे बना, तो हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी है कि उसमें कितने पुल बनेंगे, कितने ओवरब्रिज बनेंगे और कितनी लंबी रोड होगी, हमें कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी मशीनरी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या हमारी उसमें स्टेजेस होंगी, कब कब हम उसको रिव्यू करेंगे, पहले हम पुल बनाएंगे, फिर हम अंडरपास बनाएंगे. सो हर स्टेज को आइडेंटिफाई करना है और बीच बीच में हमारे कौन से माइलस्टोन्स आएंगे. सो और उन हर माइलस्टोन को, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट को हमें टुकड़ों में तोड़ना है, एंड देन वी हैव टू कंप्लीट ऑल दी माइलस्टोन्स, एंड आफ्टर एवरी माइलस्टोन वी हैव टू रिव्यू कि हमें वो प्रोजेक्ट का टाइम प्लान को और बढ़ाना है या कम करना है. सो ये हमें बीच बीच में रिव्यू करना ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. अदरवाइज हम प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं कर सकते अगर बीच बीच में रिव्यू नहीं करेंगे. और पूरे प्रोजेक्ट को अगर हम स्टेज वाइज या छोटे छोटे माइलस्टोन में नहीं तोड़ेंगे तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने. किसी भी प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी इनपुट्स क्या है. इनपुट्स में मतलब कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या इनपुट चाहिए हमें. बिल्कुल रोड क्लियरेंस, मतलब जो लैंड है वो एक्विजिशन हो जानी चाहिए, वो कवर हो जानी चाहिए, अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा. हमें उसके अंदर क्या रिसोर्सेज चाहिए, उस रोड की क्या क्वालिटी लेवल चाहिए, उस रोड पर कितनी व्हीकल्स पर डे रन करेंगी, सो उसकी हार्डनेस वगैरह और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, और उसको अगर हमें ऑपरेशन में कंट्रोल करना है तो हमें कितने टोल टैक्स लगाने. सो इस तरीके से हम सबसे पहले इनपुट्स कलेक्ट करें कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या. इनपुट मींस दी मोस्टली दी रिक्वायरमेंट, एंड देन दी बीच बीच में जब हम उसको बनाएं तो बीच बीच में हम कंट्रोल करें. सो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इनपुट्स हमें लिए उनको हम मॉनिटर करें, उनको कंट्रोल करें, बीच बीच में चेक करते रहें. पता लगा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मालूम चला कि वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मीट नहीं हुआ है, तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर प्रोजेक्ट हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा. सो जब जब हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती रहे, साथ साथ हम उसके कंट्रोल्स को मॉनिटर करते रहें, एंड देन हम रिव्यू करें कि जो हम इनपुट्स में टारगेट्स लेके चले थे, जो हमने टारगेट्स लिए थे कि हम इतनी देर में कंप्लीट कर लेंगे, इतनी कॉस्ट में कंप्लीट कर लेंगे. तो इनपुट में कॉस्ट भी है, टाइमलाइन भी है, प्रोडक्टिविटी भी है, क्वालिटी गोल्स भी हैं. सो वो क्या हमने आउटपुट के अंदर हमें उसको रिव्यू करना है कि हमने उनमें से कितनों को अचीव किया है, एंड आउटपुट के अंदर हम और आगे उसको, अगर हमें उसके ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करना है तो उसको उसके उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, उससे रिलेटेड ड्राइंग्स, उससे रिलेटेड सारे के सारे जो भी हमने एक्टिविटीज़ किए तो वो टाइम टू टाइम उसको रिकॉर्ड करें, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में करें. एंड देन अगर इनपुट और आउटपुट के अंदर कुछ गैप्स हैं या अगर कुछ चेंजेस आ गई, क्योंकि प्रोजेक्ट कम्प्लीट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, एक रोड को बनने में 1 से 2 साल भी लग सकते हैं, तो उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स में चेंज भी आ जाता है, तो उन चेंजेस को हम कैसे रिव्यू कर रहे हैं और उन चेंजेस को कैसे फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो दैट इज़ दी ओवरऑल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. तो अगर हम इसको एज ए एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक तरीके से हम कोई भी प्रोजेक्ट को लेते हैं और उसके आधार पे ही हम अपने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को अगर करेंगे ऑटोमोटिव सेक्टर में, और कोई भी हम प्रोडक्ट का डिज़ाइन करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिज़ाइन करते हैं, सो इनपुट और आउटपुट एंड कंट्रोल प्लस चेंजेस को ध्यान में रखें, एंड प्लानिंग इज मस्ट है. वी हैव टू गिव मोर टाइम, 80% टाइम ऑन द प्लानिंग पार्ट. नाउ स्टार्ट विद द क्लॉज नंबर 8.3.1. द रिक्वायरमेंट इज दैट
कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट और इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए। दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन विद फोकस ऑन डिफेक्ट प्रिवेंशन रदर देन डिफेक्ट डिटेक्शन। तो जो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन के लिए। प्लस हमें फोकस करना है कि हमारी डिफेक्ट बने ना, हमें ये इस पर फोकस नहीं करना है कि हम डिफेक्ट को पकड़ेंगे कैसे। तो हम प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिज़ाइन जब कर रहे हैं तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी डिफेक्ट बने ही नहीं, ना कि हमें इस पर फोकस करना है कि डिफेक्ट्स को हम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कैसे पकड़ेंगे। सो डॉक्यूमेंट द डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोसेस, तो इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। नाउ कम टू द प्लानिंग पार्ट। सो व्हाइल प्लानिंग आइडेंटिफाई द स्टेजेस एट कंट्रोल। सो हमें पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या स्टेजेस होंगी। हमारे APQP प्रोसेस के हिसाब से 5 फेजेस होते हैं। सो हमें फेजेस आइडेंटिफाई करने एंड कंसीडर दैट क्या क्या पार्ट्स को हमें कंसीडर करना है कि हमारा प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, हमारा प्रोडक्ट किस सिस्टम में लग रहा है, गियर बॉक्स में लग रहा है या ट्रांसमिशन सिस्टम में लग रहा है, और उसकी ड्यूरेशन कैसे क्या रहेगी, मतलब कितने टाइम तक उसकी प्रोडक्ट की लाइफ कितनी रहेगी या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की लाइफ कितनी रहेगी, एंड कॉम्प्लिकेसिटी कितनी है उस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के बाद। सो ये हमें कंसीडर करना है ड्यूरिंग प्लानिंग एंड रिक्वायर्ड स्टेजेस लाइक रिव्यू लैंडमार्क्स। सो बीच बीच में हमने कितने लैंडमार्क बनाए हैं या कितने माइलस्टोन्स बनाए हैं, जहाँ जहाँ पर भी हम अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज़। सो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के दौरान हमें कहाँ कहाँ पे वेरीफाई कर रहा है, वेरिफिकेशन का मतलब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्पेसिफिकेशन के कंपैरिजन में हमें वेरीफाई करना है कि हम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वैलिडेशन एक्टिविटीज़ जहाँ पर हमें सिमुलेशन के थ्रू देखना है कि बाद में हमारा प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करेगा या जो हमारी लाइफ से रिलेटेड या टाइम से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो उनको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड वी हैव टू कंसिडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जो भी उसके अंदर पर्सन इन्वॉल्व हैं। सो वहाँ पे हम रोल्स डिसाइड करें एंड रोल्स के साथ साथ हम डिसाइड करें कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, उस प्रोजेक्ट को ओवरऑल कौन हैंडल करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड हर स्टेज के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उनको ऑथराइज कौन करेगा या उस पूरी एक्टिविटी को अप्रूव कौन करेगा, एंड इफ वी हैज़ टू कंसिडर द रिसोर्स रिक्वायर्ड। सो हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इंटरनल और एक्सटर्नल। सो इंटरनल में लाइक हमें कितनी टीम चाहिए, हमें कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए या हमें कंप्यूटर चाहिए, या हम एक्सटर्नल कुछ सपोर्ट ले रहे हैं, मतलब उसके BOP पार्ट्स हैं, उसमें कुछ पार्ट लग रहा है, उसका डिज़ाइन हम बाहर से करा रहे हैं। सो वो हमें कंसिडर करना है ड्यूरिंग दी रिसोर्सेज, या हम कोई टूल या मशीनरी बाहर से डेवलप करा रहे हैं। एंड ऑल्सो वी हैव टू सी दी इंटरफेस कंट्रोल्स। सो जो भी हमने सप्लायर्स एंड के ऊपर हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ पार्ट्स को हम अलग अलग जगह पे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करा रहे हैं सप्लायर एंड पर, सो वो आपस में इंटरलिंक कैसे होंगे, वो पहले कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होगी, सो दैट टूल पहले बनेगा तभी हम प्रोटोटाइप या हम कुछ सैंपल निकाल सकते हैं। सो उसको भी हमें प्लानिंग के टाइम पर ध्यान रखना है। एंड नीड फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, किस किस को हम अपने डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे। इंटरेस्टेड पार्टीज़ का मतलब हो गया हमारा टूल मेकर हो गया, हमारे सप्लायर हो गए, हमारे जो BOP पार्ट सप्लाई करेंगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो लोग हो गए, या हमारे क्रॉस फंक्शनल टीम्स हो गई, अलग अलग प्रोसेस ओनर्स हो गए। सो किस किस को हम इन्वॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करना है, वो कौन से मॉडल में या उसके ओवरऑल व्हीकल की क्या इंटेंट है, वो किस चीज़ को ध्यान में रख करके या किस एज ग्रुप को ध्यान में रख करके या किस लिए वो क्या उसका ऑब्जेक्टिव है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का, वो स्मॉल स्केल में है, मिडिल स्केल में है, सो लाइट व्हीकल है कि हैवी व्हीकल है। सो ये हमें डिस्कस करके कस्टमर्स रिक्वायरमेंट को भी कंसिडर करना है व्हाइल प्लानिंग। एंड लेवल ऑफ कंट्रोल एक्सपेक्टेड बाई कस्टमर और इंटरेस्टेड पार्टीज, सो किस लेवल का कंट्रोल चाहिए, कस्टमर से हमें डिस्कस करना है कि उनका क्या है एंड इंटरेस्टेड पार्टीज का भी।
कि क्या इंटरेस्टेड पार्टी का टाइमलाइन क्या है, वो कब तक कंप्लीट कर लेंगे, हम कब कब उनके साथ रिव्यू करेंगे, वो सब चीज़ों को हमें प्लानिंग के दौरान ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंटेशन नीडेड टू डेमोस्ट्रेट डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट आर मीट, सो हमें हर जगह पे हर स्टेज पे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करने की कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे ड्यूरिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट, सो दैट कि हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाए। सो प्लानिंग में इंश्योर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल इफेक्टेड स्टेक होल्डर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड सप्लाई चेन। सो वी हैव डिस्कस कि हमें सारे स्टेक होल्डर्स और इंटरेस्टेड पार्टीज को कवर करना है पूरी सप्लाई चेन में, मतलब हमारा रॉ मटेरियल सप्लायर भी, टूल मेकर भी, और हमारे पार्ट मैन्युफैक्चरर या पार्ट सप्लायर भी। और हमें यहाँ पे CFT या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज़ करना है क्रॉस फंक्शनल टीम को। एंड IITF में वी हैव टू इम्प्लीमेंट दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड उसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने APQP दिया है, और अदरवाइज कस्टमर की तरफ से या कस्टमर का अपना मेथड है, सो उस मेथड को हमें अडॉप्ट करना है कि हम पूरा प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे। सो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन एक्टिविटीज़, सो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे DFM और DFA पे। सो जब प्लानिंग करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम डिज़ाइन जब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट का या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, सो डिज़ाइन होने के बाद वाइल्ड मैन्युफैक्चरिंग जब हम उसको बनाएंगे तो उसको उसके जो फेलियर्स हैं उसको भी कंसीडर करें जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या जब हम उसको असेंबली करेंगे। सो डिज़ाइन फॉर असेंबली और डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, दोनों की इनपुट्स हमें CFT के थ्रू इनपुट्स लेनी है और कंसीडर करना है कि भाई असेंबली में ईज फॉर असेंबली हो, मतलब बहुत इजीली असेंबल हो जाए, या इजीली मैन्युफैक्चर हो जाए। सो लाइक हमारे पास, हमने डिज़ाइन किया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का और हमने आइडेंटिफाई कर ली CNC मशीन्स, बट हमारे पास है ही नहीं CNC मशीन उस लेवल की, मे बी उस एक्यूरेसी लेवल की, कि हमने टॉलरेंस तो प्रोडक्ट डिज़ाइन में अपनी रख दी प्लस माइनस 0.2, लेकिन जो करंट हमारी CNC मशीन है उसकी कैपेबिलिटी प्लस माइनस 0.5 में। सो हमें प्रोडक्ट और प्रोसेस को डिज़ाइन करने से पहले उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि जब हम उसको मैन्युफैक्चर या असेंबल करेंगे सो उस वक्त कोई दिक्कत ना आए। सो ईज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ईज़ फॉर असेंबली, पहले क्या होता था कि हम डिज़ाइन तो बहुत अच्छा कर लेते थे, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो उस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आती थी या बहुत इजीली असेंबल नहीं होता था। उसके बाद फिर हम करेक्टिव एक्शंस और दूसरी टेक्नोलॉजी वगैरह ढूंढा करते थे, बट अभी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको पहले ही ये ध्यान रखना है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली के अंदर कोई दिक्कत ना आए हमारे डिज़ाइन के कारण। डेवलपमेंट एंड रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन रिस्क एनालिसिस, सो रिस्क एनालिसिस हमें पहले करना है, इंक्लूडिंग एक्शंस टू रिड्यूस दी रिस्क। सो जो भी हाई सिवियरिटी या जिनका इम्पैक्ट कस्टमर के ऊपर ज़्यादा आ सकता है, उस रिस्क को हम कितना कम से कम कर सकते हैं ड्यूरिंग अवर डिज़ाइन इटसेल्फ। डेवलपमेंट एंड रिव्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिस्क एनालिसिस, सो FME रिलेटेड टू प्रोसेस उसको हमें ध्यान में रखना है, एंड प्लस प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या रहेगा, कंट्रोल प्लान, वर्क इंस्ट्रक्शन, सो सब जगह पे हमें ये विशेष ध्यान देना है कि हम रिस्क को कितना कम कर सकें ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली। सो MDA या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच या CFT में कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए, कौन कौन से प्रोसेस ओनर्स होने चाहिए, तो उसमें डिज़ाइन एटलीस्ट दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या प्रोसेस इंजीनियरिंग के लोग PE के या प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के लोग जो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ओनर्स, क्वालिटी के लोग, इंजीनियरिंग के लोग, प्रोडक्शन के लोग, परचेज, सप्लायर, मेंटेनेंस एंड अदर अप्रोप्रिएट फंक्शन, अगर कुछ और रिलेवेंट प्रोसेस के ऑनर्स हमें चाहिए, तो उन सबको मिला करके हम टीम बनाए। नाउ कम टू द प्रोडक्ट डिज़ाइन स्किल्स, सो हमें इंश्योर करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन को करने वाला रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कंपिटेंट हो, वो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट को समझे, एंड वो स्किल होनी चाहिए उसके पास, एंड वो टूल्स एंड टेक्निक्स को भी यूज़ करना जानना चाहिए। सो उसकी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन में
मे बी एक कॉन्सेप्ट होगा, सो कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट करना है हमें प्रोडक्ट के अंदर, तो उसका स्किल लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्पेशल स्किल है, इसीलिए यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा डिजाइनर है उसके पास पूरी स्किल्स होनी चाहिए। नाउ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट विद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, सो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर कि हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, या वो हमारा वो प्रोडक्ट जा करके कस्टमर के पास किसी सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस कर रहा है, सो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यूज़ ए प्रोसेस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस फॉर प्रोडक्ट विद इंटरनली डेवलप्ड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। सो हमें क्वालिटी को अश्योर करना है अपने यहाँ पर कि हमारा जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है उसको इंटरफेस भी अच्छा करेगा, या हमारा जो डिज़ाइन है क्या सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से काम करेगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोड टू बी यूज असेस द डेवलपमेंट प्रोसेस, तो हमें सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट की जो मेथड है उसको डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करना है। रिटेन द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटी एंड सेल्फ असेसमेंट, सो हमें उसके डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है, एंड हमें ये भी चेक करना है कि हम उसके लिए कैपेबल हैं या नहीं है, और उसके लिए बेटर है कि हम अपना सेल्फ असेसमेंट भी करें। इंक्लूड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम, सो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला चीज़ है उसको हम इंटरनल जब ऑडिट कर रहे हैं सो उसके अंदर भी इंक्लूड करें, सो दैट कि वो रिव्यू होता रहे। नाउ कम टू दी डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स, सो क्या क्या इनपुट्स होनी चाहिए, डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट नीडेड टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिजाइन कंसीडर, सो मिनिमम हमें फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्लियर हो, कोई भी प्रोजेक्ट हम करने से पहले हमें ये क्लियरिटी होनी चाहिए वो कैसे फंक्शन करेगा और कैसे परफॉर्म करेगा, सो ये हमें एज ए इनपुट्स पहले कंसीडर करना है। एंड कोई हमने प्रीवियस पुराने डिज़ाइन किए हैं या पुराने एक्सपीरियंस है सो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी हमें एज ए इनपुट कंसीडर करना है। कोई हमारे प्रोडक्ट या हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो उन इनपुट्स का भी ध्यान रखना है, सो दैट ये हमारा कंप्लीट होने के बाद ये इनपुट्स मीट हो जाए। तो स्टैंडर्ड एंड कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उसको भी एज ए इनपुट में हमें लेके चलना है। और पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सो क्या फेलियर्स आ सकते हैं बनने के बाद या फाइनल हमारा डिज़ाइन बनने के बाद, सो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसको हमें एज ए इनपुट में लेके चलना है। डिजाइन इनपुट टू बी एडुकेट, वो हमारे रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस होना चाहिए, एंड कंप्लीट होना चाहिए इनपुट्स, एंड हवा में बातें ना हो, मतलब क्लियर कट हो, एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इनपुट टू बी रिजॉल्व, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है जो क्लियरिटी नहीं है इनपुट में तो वो हम पहले रिजॉल्व करें कस्टमर के साथ, एंड इन इंफॉर्मेशन को हमें संभाल के रखना, सो दैट हम जब हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए तो हम देखें कि हम अपने इनपुट से कितना दूर है और कितना पास है। नाउ कम टू दी प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट्स, आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट एंड रिव्यू एटलीस्ट फॉलोइंग प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट्स रिक्वायरमेंट एज रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, सो जो हम कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर रहे हैं कस्टमर के साथ, जब हम उसकी प्रोडक्ट डिज़ाइन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट ये इनपुट्स को विशेष ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस इंक्लूडिंग स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बाउंड्री एंड इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, सो कैसे हमारा कंपोनेंट किस किस दूसरे पार्ट्स के साथ इंटरफेस करेगा, और हमारा क्या अगर हमारा बहुत सारे पार्ट्स को मिला करके प्रोडक्ट बनना है तो वो किस तरीके से ब्लॉक डायग्राम के थ्रू या इंटरफेस रिक्वायरमेंट के थ्रू हम उसको कैलकुलेट करके हमारा डिज़ाइन किस तरह का होगा, तो वो इनपुट्स हमें शुरू में ही एज ए इनपुट लेना है। एंड आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, कैसे उसके ऊपर मार्किंग करेंगे सो दैट कि हम बाद में उसको ट्रेस कर सकें, एंड ट्रेसेबिलिटी कैसी रहेगी थ्रू आउट दी सप्लाई चेन कि किसने कहाँ पे कब कैसे बनाया, एंड पैकेजिंग की इनपुट्स को भी हमें कंसीडर करना है। और हमें कोई डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स हैं, अगर हम कुछ और अल्टरनेटिव 3-4 तरह के हम डिज़ाइन या कुछ और तरीके से हम उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, सो वो हमें शुरू में ही ध्यान रखना है कि हम ये 3-4 तरीके के कॉन्सेप्ट को लेकर के डिज़ाइन करेंगे, सो उसमें से जो फाइनल होगा उसको हम फिर
थ्रू वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन उसको अप्रूव करेगा। असेसमेंट ऑफ रिस्क विद इनपुट रिक्वायरमेंट्स, सो उससे रिलेटेड अगर कुछ भी रिस्क है जो इनपुट से रिलेटेड है उसको हम असेस करें, एंड एबिलिटी टू मैनेज एंड मिटिगेट दोज रिस्क इंक्लूडिंग फ्रॉम फिजिबिलिटी एनालिसिस। सो हम कोशिश करें कि उन रिस्क को जितना कम कर सकें और उसको अगर ख़त्म कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, या उस रिस्क को हम कैसे मैनेज करेंगे। टारगेट ऑफ कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स हम कितना बिलीव कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, मीन्स लाइक टोयोटा के व्हीकल्स जिसके ऊपर लोग रिलीव करते हैं, सो ब्रांड इमेज, सो हमें कितना कॉन्फिडेंस है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, या हम उसके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। सो रिलायबिलिटी के हम गोल्स रखें, टारगेट्स रखें, ड्यूरेबिलिटी के हम टारगेट्स एंड गोल्स को रखें, ड्यूरेबिलिटी मीन्स कितने टाइम तक, सर्विसेबिलिटी डिजाइन होने के बाद या उसकी हमें सर्विस की ज़रूरत पड़े तो वो कितना इजी हम सर्विस कर सकते हैं, उसको हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द इनपुट्स, एंड डिज़ाइन का टाइम कितना लगेगा, उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, तो ये हम इनपुट के अंदर अपने टारगेट्स को डिफाइन करें। कोई एप्लीकेबल सैचुरिटी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है और कुछ कस्टमर ने डिफाइन किया है, या वो प्रोडक्ट हमारा किस कंट्री में जाएगा, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स को रिलेटेड टू दोज कंट्रीज जहाँ जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जाएगा, तो उस कंट्रीज की कोई एप्लीकेबल सैचुरिटी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो उनको भी हम इनपुट में कंसिडर करें, उनको भी एज ए इनपुट लेके चले, सो दैट कि उनकी रिक्वायरमेंट भी मीट हो। एमडेड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे, तो उसको भी एज ए इनपुट हम लेके चलें। डिप्लॉय इंफॉर्मेशन गेन्ड बाय फ्रॉम प्रीवियस डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स, कम्पिटिटिव प्रोडक्ट एनालिसिस, सप्लायर फीडबैक, इंटरनल इनपुट, फील्ड डाटा एंड अदर सोर्स ऑफ करंट एंड फ्यूचर सोर्स ऑफ सिमिलर नेचर। सो हमारे पास जो पुराने डिज़ाइन है, हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, या हम कंप्यूटर के प्रोडक्ट को लेकर के उसको बेंचमार्क भी कर सकते हैं कि हमें उस लेवल तक अपने प्रोडक्ट का लेके जाना है, हम सप्लायर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उससे फीडबैक ले सकते हैं, उसके पास कुछ अपना एक्सपीरियंस है, या हमारी इंटरनल टीम के पास कुछ एक्सपीरियंस है, फील्ड के पुराने डाटा या क्या रिकॉर्ड है, फील्ड की क्या फीडबैक है, और फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, या फ्यूचर में किस टाइप की रिक्वायरमेंट और इन्हेंस हो सकती है, ये सारी चीज़ें हमें इनपुट में कंसीडर करनी है वाइल स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट। सो वी विल क्लोज दिस एंड टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज गिव योर फीडबैक।